हेलो, मेरा नाम है रवि शेरगिल, मैं एक संगीतकार हूँ। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा उद्यम है और हम देख रहे हैं कि इसके साथ लोग जुड़ रहे हैं और एक किस्म की ये एक तीर्थ यात्रा की शक्ल ले रहा है। मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी कि मैं जाके देखूं वाकई में माहौल कैसा है, मौका मिले तो राहुल जी से मिल के देखूँ उनके क्या विचार हैं, वो इस यात्रा के ऊपर निकले हैं, इसके पीछे उनका क्या मकसद। मैंने कुछ सवाल पूछे उनसे कि आपने इतनी यात्रा की है तो आपके अंदर इससे क्या परिवर्तन आया या नहीं आया, या आप इसको आपके जो अनुभव हुए हैं आप उन्हें कैसे देखते। तो उनका कहना था कि वो इन अनुभव से बहुत से लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। कहते हैं तरह तरह के लोग आ रहे हैं, ये एक जरिया भी जिसके अंदर सच निकल आता है। तो उन्होंने कहा इस तरह के बड़े सच मेरे सामने व्यक्त किए गए, मुझे यूं लगा कि वो हिंदुस्तान की रूह को समझना चाहते हैं। तो मुझे ये मालूम चला कि वो हर मुद्दे के ऊपर एक अपनी सही राय रखते हैं। और एक बात जो उन्होंने कही कि वो जानना चाहते हैं एक भारतीय का सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। तो मुझे लगा कि वो एक लगातार किसी एक अपने आत्म मंथन में लगे हुए हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत से विषय हैं जिनके अंदर हम दोनों की रुचि है, वो भारत का इतिहास है, रूहानियत है, वो सूफियाना है, वो भक्ति है। कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई और कुछ बातें मुझे कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि हमें एक दूसरे के दर्शन को समझना चाहिए। भारत जो है इसके अंदर इतनी तरह की मुख्तलिफ राय हैं, हमें अच्छा होगा हमारे लिए भी कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। मुझे ये सारी जो कोशिशें हैं ये काफ़ी मुबारक कोशिशें हैं और होनी चाहिए, और अच्छा हो हम एक दूसरे की राय समझने की कोशिश करें, हमें एक दूसरे की बात सुनने के लिए आगे आना चाहिए। मेरी तरफ से भारत जोड़ो यात्रा को बहुत बहुत शुभकामनाएं।